दोस्तों, मेरा नाम परमजीत, तुहाडा इस चैनल ते स्वागत करता हाँ। अज तुहाडे नाल एक होर किताब रूबरू करन जा रहे हाँ, जिसका की नाम है घर। ये हिंदी नावल है ते इसका जो मूल लेखक विभूति नारायण राय ते पंजाबी दे विच अनुवाद कीता है तेजिंदर बावा जी द्वारा। इसका प्रकाशन कीता है संगम ने ते इसका किताब ते प्रिंट रेट है 125। जेकर मूल लेखक विभूति नारायण जी की गल करिए उन्होंने नावल लोकतंत्र, तबादला, शहर में करफ्यू बहुत ही चर्चित नावल पहला प्रकाशित हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा प्यार मिला पाठकों वालों। जेकर इस नावल के विषय की गल करिए मकान ते घर का फर्क इस नावल तो पता लगता है कि मकान तो चार कंधा ना मकान बन जाता है, पर उसनु घर बनाने लई किन्नी मेहनत करनी पैंदी है, जो घर बनता क्यों नहीं, वो सारा ढांचा, वो सारा सिस्टम आपां नू इस नावल दे विच दिसदा है। इस दे मेन करैक्टर हन मुंशी ते जो कि हुण रिटायर हो चुके हैं अध्यापक पद तो, ते उन्हां दे पुत्र विनोद जो कि उन्हां नू उम्मीद सी कि वह मौके दे जदों रिटायर होणगे उस तो पहला ही वह सैट हो जाणगे, पर उन्हां नू कोई नौकरी नहीं मिलती। ते उस तो बाद उन्हां दी जिहड़ी इक कुड़ी है राजकुमारी, 28 साल की उम्र हो चुकी है, पर उन्हां दा अजे ब्याह नहीं होया। कारण यह है कि उन्हां दी इक आर्थ हालत ठीक नहीं, ते जदों ब्याह की उम्र सी उदों मुंशी ना नुक्कर करते, हर एक दे विच रोक टोक करते कि इस दे विच ये घाट है, इस दे विच ये घाट है, पर हुण उन्हां दा सिस्टम इन्ना बिगड़िया घर दी आर्थिक हालत का कि वह राजकुमारी का ब्याह नहीं कर पाते। तो राजकुमारी के की सुपने ने कि वह कितना दा उहदे अंदर घमसान चलता रहिंदा विचारां दा, चाहे वह काम नू लैके सैक्स नू लैके होवे, चाहे आम जिंदगी नू लैके होवे। मुंशी जी का छोटा बेटा पप्पू है जो कि पढ़ाई के नाम से या पेपरों के नाम से घर तो पैसा ले रहा है, बट वो पढ़ नहीं रहा, तो एक माँ के प्यार तो वांझा वो किमें उहदी जिंदगी है, किधर वो किमें बड़े मुंडे नाल रलता है, किमें गलत संगत दे विच पैंदा है, तो बड़ा भाई उहदा कुछ कर नहीं पाउंदा, क्योंकि जिन्हें ये चार करैक्टर एक छत के थले रह रहे हैं, जाने की मकान के करता है नहीं, क्योंकि आपस के इन्हों की बॉन्डिंग नहीं, आपस के गलबात नहीं है, तो जिहड़ा इकलता भरिया जीवन है बहुत शानदार तरीके पेश किया गया। मुंशी जी की पत्नी तारा का स्वर्गवास हो चुका है, पर फिर भी लेखक ने उसका करैक्टर बहुत अहम रखे है, चाहे वह राजकुमारी की यादा के तारा का जिक्र आता हो, चाहे मुंशी के गलों के जिक्र आता हो, चाहे छोटे मुंडे पप्पू की कहानी के जिक्र आता हो, लेखक ने यह कहानी जी परोई हुई है उसके विच तारा का बहुत अहम रोल है कि घर के मतलब माँ ना हो माँ तो बिना घर मकाने बन जाता है, तो जो बच्चों की परवरिश है वह भी सही तरीके हो नहीं पाती। मुंशी की यह हालत किस तरह हुई, आर्थिक हालत हो मकान तो घर तो घर तो दोबारा फिर मकान वह किमें बनया, तो किमें सारे ही पात्र ने जो इकलता वाली जिंदगी जी रहे हैं, तो तुहानूं इहदे किमें अपनापन लगेगा कि हाँ यह हर एक दूजे तीजे घर की कहानी है। तो मैं सारे नूं रिकमेंड करता कि सारे ही जरूर पढ़न। जेकर अनुवाद की गल करिए तो मैं यह नावल है जिहड़ा मूल भाषा में नहीं पंजाबी भाषा जो कि तजिंदर बावा वालों अनुवाद किया गया उस दे विच पढ़िया, पर लग ही नहीं रहा कि यह भाषा अनुवाद होया हुआ नावल मैं पढ़िया, क्योंकि इन्ना जबरदस्त अनुवाद किया गया है, तो तारीफ करनी बनती है तजिंदर बावा जी की। तो सारे नूं नावल जरूर पढ़ना चाहिए। अज की वीडियो के इन्ना ही, अगली किताब लैके फिर जल्द ही मिलते हैं। चैनल में सबसक्राइब जरूर करो तो वीडियो में शेयर करो जो पुस्तक पढ़ने प्रेमी ने, तो जो नहीं भी कम से कम ये वीडियो जरूर देखो ताकि तुम हर एक वीडियो के कुछ ना कुछ नवं सीखने मिले। धन्यवाद।